हेलो, मेरा नाम क्या हुआ आर्ची था, है क्या कर रहे हो? एंड मैं जो ब्लाइंड लव मूवी है, जो लव स्टोरी है, उसमें प्रोड्यूस कर रही हूँ. और मेरा एक और भी ऑलरेडी कॉन्सेप्ट शुरू है, जो रिया मूवी का, जो मेंटली रिटायर्ड बच्चों की ज़िंदगी पे है. उसमें मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद हूँ, और मेरे साथ में डायरेक्टर के अली खान सर भी है. और ये जो ब्लाइंड लव मूवी है, ये इसमें भी डायरेक्शन में के अली खान सर है. और अच्छा कॉन्सेप्ट है ये. और इसको जो राइट किया है, वो जो नागपुर के धकाते जी है, उन्होंने राइट किया इसको. और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट चले, क्योंकि ये लव स्टोरी है और एक अलग टाइप की लव स्टोरी है, तो पब्लिक को पसंद आए. यही मैं ब्लाइंड लव यानी एक संदेश है, जो प्यार करने वाले लोग हैं उनके लिए एक संदेश है ये, कि किस तरीके से जो गलत फहमी रहती है लोगों में कि प्यार ऐसा होता है, प्यार एक गंदगी है, लेकिन ये ऐसा लव है कि एक मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को. मतलब कब तक शूट पे जाएगी ये फिल्म? ये अभी जल्द ही शूट जाएंगी. इसका कुछ कैरेक्टर भी फाइनल हो गए इसके, और अभी वर्कशॉप इसका जाएगा. और मैं चाहती हूँ कि बहुत आगे जाए ये मूवी और सब पसंद करे इसको. लोकेशन की बात करें तो कहाँ शूट करना है यहाँ आपने? का मो गुआ की इसका तरफ, मोस्टली लोकेशन रहेगा तो नागपुर गुआ में की ही, तरफ। और कुछ मुंबई में भी इसका शूट होगा. इसमें सपोर्टिंग में मार्केट के लोग रहेंगे, और जो न्यू स्टार कास्ट है, वो नए लोगों को लॉन्च कर रहे हैं इसमें. अभी तो इसका जो हो गया है, उसकी तो खाली वर्कशॉप शुरू है, और स्टोरी, इसका स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कंप्लीट हो गया है ये मूवी का. और अभी आज इसका गाना भी रिकॉर्ड हुआ है, ये ब्लाइंड लव मूवी का, जो सोमिया जी ने गाया है. मिनिमम तो मूवी को मिनिमम 1 ईयर लगता ही है, कितना भी ये करो तो मिनिमम 1 ईयर लगेगा इसको ऑन फ्लोर आने के लिए. अब्दुल गफ्फार खान है, शॉर्ट में एजी खान है जी। मतलब क्या भूमिका है आपकी जो मूवी बन रही मैं है? राइटर हूँ आपने कहानी लिखी है, जी। हाँ, किस तरह की कहानी है? ये बलात्कार पर लिखी गई है कहानी। जो लोग बलात्कार करते हैं, जो पैसा के बलबूते पे या तो किसी और बलबूते पे छूट जाते हैं, तो इसका जो मद्दो है वो उसमें दिखाया गया है कि लोग छूट ना पाएँ। जो बलात्कार करते हैं वो, उनसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, वो छूट ना पाएँ उससे। इस तरह कॉन्सेप्ट बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत क्या सारे आए नया हैं, है इसके अंदर? बिल्कुल सही बताया आपने। पर ये जब फिल्म बनेगी तो पब्लिक उसको पसंद करेगी, क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये बलात्कार पर लिखी गई है, पर ये अलग, उसका कुछ सिस्टम बनाया गया है, उसका कुछ सज़ा ऐसे कुछ बनाई गई है कानून के बलबूते पे, वो दिखाया गया है उसमें।